होती नजर आ रही है, क्योंकि जिन रंगों के बिना ये त्योहार अधूरा माना जाता है वो रंग बाजारों में सज गए हैं और आपके इस त्योहार में अनेक रंग भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। किस तरह बनकर आप तक पहुंचते हैं ये खुशियों के रंग, देखिए इस रिपोर्ट में। रंग बिरंगे रंगों से भरे इस त्योहार की शुरुआत हो चुकी है। महज चंद ही दिनों में यह त्योहार आने वाला है, तो जिस तरह आप अभी मेरे साथ मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि अलग अलग कलर के लाल पीले हरे अलग अलग रंग यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रहे हैं और यही रंग कुछ दिनों में बाजार तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन कभी सोचा है कि ये रंग कैसे बनते हैं? क्या कभी देखा है कि ये रंग किस तरह बनाए जाते हैं? अगर नहीं तो जाने आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अक्षय वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं NBCN न्यूज। जिस तरह मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि पैकेट्स में रंग बनकर तैयार है, ये रंग जाने वाले हैं बाजारों में, पर किस तरह इन्हें बनाया जाता है, ये किस तरह बाजारों तक पहुंचते हैं और किस तरह आप इस होली के त्योहार में इनके मजे लेते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। और आज अभी जहाँ हम मौजूद है ये है नागपुर शहर के श्री कृष्णा नगर का क्षेत्र, जहाँ पर आदमानी जी का घर काफी फेमस है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं इस रहस्य को जानने कि किस तरह रंग बनाया जाता है। तो हम भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे और देखेंगे किस तरह ये रंग बनाए जाते हैं। जैसा कि आप अभी तस्वीरों में देख ही सकते हैं कि लाल पीले हरे ऑरेंज रंग बिरंगे एक अनेक प्रकार के रंग यहाँ अभी इस वक्त मौजूद है। ये वही रंग है जिन्हें खेल कर हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का ये त्यौहार मनाते हैं और यही रंग पहुँचने वाले हैं आप तक भी, जिसे खेल कर आप अपने इस होली के त्यौहार को और भी रंगीन बनाने वाले हैं। तो अभी हमारे साथ आदमान्य परिवार के सदस्य मौजूद है जो पूरे ही नागपुर शहर में बल्कि बाहर भी रंग के लिए बहुत ही मशहूर है। तो उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह ये रंग बनाए जाते हैं और शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या प्रोसेस रहती है। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए। राकेश आदमान। किस तरह ये रंग बनाया जाता है शुरुआत से लेकर आखिर तक, बताइए। हमारा जो गुलाल बनता है वो आरा रोड से बनता है। आरा रोड मतलब ये मक्के का पाउडर रहता है, उससे बनाया जाता है। उसमें मशीन में डाला जाता है, उसमें कलर पानी 10 से 15 मिनट में वो बन जाता है। फिर उसको सुखाने डालते हैं बाहर, सुखाने के बाद उसको मशीन में मीन किया जाता है। ये मशीन में ये रंग बनाने की शुरुआत कब से की जाती है? ये हमारे 2 महीने पहले से चालू हो जाती है, होली के 2 महीने पहले। तो अभी होली को महज 7 से 8 दिन बाकी रह गए, तो अब तक क्या रंग पूरे बन चुके हैं, बाजार में जाने के लिए तैयार है? कैसे रंग पूरे बन चुके हैं, सेल भी हो चुका है और सेलिंग चालू है। मतलब रंगों की भारी डिमांड होती है। अब एक नज़र डालिए रंगों पर। ये रंग को देखिए आप, जो हम मक्के के पाउडर से बनाते हैं उसको बोलते हैं आरा रोड। ये कलर इसमें बनते, जैसा कि आप ऑरेंज देख लो, हो गया पीला हो गया, यानी 10-12 प्रकार के रंग हम बनाते हैं।
बेहद ही नर्म आटे की तरह है क्योंकि ये मक्के से बनाया जाता है। आप देख ही सकते हैं जैसे अभी दिखाया गया है कि ये जो रंग है बड़े ही नर्म है, बड़े ही मुलायम है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे एक आटा है। तो इसीलिए शायद ये लोग, ये पूरा परिवार नागपुर शहर में इतना मशहूर है क्योंकि ये जो रंग है वो कुदरती तौर पर बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने जाना कि आपके जो परिवार की दो पीढ़ियाँ भी बनाते जा रही है, आप तीसरी पीढ़ी है जो इन रंगों को बनाए जा रहे हैं, तो ये कैसा सफ़र रहा, कौन कौन कहाँ से शुरुआत हुई और आप भी किस तरह हर साल कितने समय से बनाना शुरू? ये पहले हमारे दादाजी से चालू था, दादाजी के बाद पिताजी ने बनाया, अभी पिताजी के बाद फिर हम चालू कर रहे हैं उनके लड़के। तो हमारा जो गुलाल बनता है वो प्योर आरा रोड से बनता है। आरा रोड यानी मक्के का पाउडर जो खाने की चीज़ है उससे बनाया जाता है, यानी इसको हर्बल बोलेंगे तो कोई ये नहीं है, आप लगाओगे भी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है गुलाल का। हम जो रंग भी वापरते हैं गुलाल में, जो हमारे ऊँचे क्वालिटी के रहते हैं, दो हज़ार तक के आते हैं वो रंग, वो हम वापरते हैं। मैंने परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने शुरुआत की थी, शायद इनके भी पूर्वजों ने इनकी शुरुआत की थी। ये रंग बनाने का इतिहास कब से इनके परिवार द्वारा चलाया जा रहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले दर्शकों को अपना नाम बताइए, कब से? मेरा नाम कमलाकर राजमनिया है। और कब से ये रंग बनाने का जो कार्य है किया जा रहा है? अभी 70 साल हुए और हमारे पिताजी से काम कर रहे हैं। तो आगे ये रंग बनाते हुए आपको 70 साल करीबन हो चुके हैं, तो क्या लगता है रंगों की डिमांड बढ़ी है उस समय से लेकर अब तक या कम हुई है, क्या लगता है? रंगों की डिमांड ज़्यादा गुलाल यूज कर रहे हैं। हर साल आप लोग रंग बनाने की शुरुआत कितने दिनों से करते हैं, कितने दिनों की मेहनत? अभी एक दिन एक महीना लगता है। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कई सालों से यहाँ पर रंग बनाए जाते हैं, इसलिए पूरे नागपुर में और बाहर के क्षेत्रों में भी यहाँ के रंग बहुत ही मशहूर है। आप देख ही रहे होंगे कि कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर रंग किस तरह बनाया जाता है। सुबह से उठकर इन रंगों को बनाने की जो कोशिशें है वो की जाती है, तब जाकर कहीं ये रंग बनने के बाद आप तक पहुँचते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, फिर आप इन्हें खरीदते हैं और इनसे अपनी खुशियों को दोगुना करते हैं। तो इन रंगों के साथ मिठास ऐसे ही भरते रहिए और इनको खेल कर अपने इस होली के त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ जरूर बनाइए। रंगों के परिवार के एक घर से हमारी स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट, कैमरामैन अजित कुंवर के साथ अक्षय वहीदंसारी, BCN न्यूज़ नागपुर।